Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of JK Civil Services. Hope you all are fine. So last lecture में हमने जुलाई के करंट अफेयर्स कवर किए थे और आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो अगस्त के करंट अफेयर्स पे होगा, JNK के अगस्त के करंट अफेयर्स पे. ठीक है, तो आए वीडियो को शुरू करते हैं. सो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच यूटी हैज लॉन्च्ड पानी मा टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लीन वाटर. ये अबाउट है, ये इकट्ठे ही है. ठीक है, किस यूटी ने पानी माँ जो है ये स्कीम जो है रेज की थी ताकि उस विलेज में, उस यूटी में जो है क्लीनलीनेस के ऊपर, कि साफ पानी कैसा है उसके ऊपर जो है अवेयरनेस क्रिएट कर पाए. ठीक है, तो वो किस यूटी ने की थी? लद्दाख. लद्दाख में ये यूटी ने जो है इस क्लीन वाटर के ऊपर स्कीम जो है लॉन्च की, दैट इज़ पानी माँ. और इस स्कीम के हिसाब से 2.5 मिलियन जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट के पहले ब्लॉक को जो है वो दिया जाएगा, ताकि वो कौन सा स्टेटस अचीव करें, स्टेटस ऑफ हर घर जल. ठीक है, हर घर में पानी मिले, तो उसके लिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी. उसके बाद पानी माँ स्कीम के जो है उन्होंने तीन अप्रोचेस जो हैं वो अडॉप्ट की, तीन अप्रोचेस. ठीक है, कौन कौन सी? पहला तो कि फोकस करना है किस चीज़ पे, पानी की क्वालिटी पे, कि पानी की क्वालिटी कैसी है, साफ है, गंदा है, कैसा है, उस चीज़ पे फोकस करना है. दूसरा, प्लान करना है और स्ट्रेटजाइज करना है कि पानी कैसे सप्लाई किया जाएगा. एंड द लास्ट वन, कि जो गंदा पानी है उसको कैसे विलेजेस में से हटाना है, उस चीज़ के ऊपर जो है ये तीन अप्रोचेस जो हैं ली गई. ठीक है, उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है, पहला हाईएस्ट जो है मोटरेबल रोड कहाँ पे है, वो लद्दाख में ही है. और दूसरा, जो ये हमने लास्ट लेक्चर में भी कवर किया था, कि जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट है वो भी कहाँ पे बन रहा है, लद्दाख के डिस्ट्रिक्ट लैब में. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच यूटी गवर्नर लॉन्च अ न्यू फिल्म पॉलिसी इन 2021. किस यूटी के गवर्नर ने जो है न्यू फिल्म पॉलिसी जो है वो लॉन्च की 2021 में? तो वो किस यूटी के गवर्नर ने लॉन्च की? JNK यूटी के गवर्नर ने लॉन्च की. और JNK यूटी के गवर्नर कौन है? हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा. उन्होंने ये स्कीम जो है ये लॉन्च की, और किसकी प्रेजेंस में लॉन्च की? एक्टर आमिर खान और राजकुमार हिरानी, जो कि कौन है, फिल्म मेकर है, उनकी प्रेजेंस में जो है ये स्कीम लॉन्च की गई. और गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म जो है वो भी इंट्रोड्यूस किया, ताकि फिल्म मेकर्स को जो है वो यूटी में आए और सुपरवाइज करें हर एक चीज़ को, और यहाँ पर फिल्म पॉलिसी जो है वो स्टार्ट हो पाए. उसके अलावा न्यू पॉलिसी ने जो है फिल्म मेकर्स को दो डेडिकेटेड नोडल्स भी प्रोवाइड किए, ताकि शूटिंग की जो है वो स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे. ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अबॉलिश्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ इनर लाइन परमिट फॉर इंडियन सिटीजन. किस एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है INLP इनर लाइन परमिट को जो है वो अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया? तो सबसे पहले ये किसके एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है? लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है ये ख़त्म कर दिया. अब ILP है क्या? इनर लाइन परमिट क्या है? ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो कि उस कंसर्न्ड स्टेट के जो है प्रोटेक्टेड जोन के लिए होता है, कि अगर बाहर से कोई आना चाहता है उस प्रोटेक्टेड जोन में, तो उनको ये परमिट जो है बनाना पड़ता है, ये डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है, ताकि वो वहाँ पर कोई सफिशेंट टाइम के लिए जो है वो स्टे कर पाए. ठीक है, तो उसके लिए ये होता है. और ये कौन से एडमिनिस्ट्रेशन ने, कौन सी यूटी ने अबॉलिश कर दिया है? लद्दाख ने जो है इस परमिट को ख़त्म कर दिया है. तो अब अगर लद्दाख के आप प्रोटेक्टेड जोन में जाना चाहो तो बिना इस परमिट के भी आप जा सकते हो इजीली. ठीक है, जैसे कारगिल की बटालिक जो है वहाँ पर भी जो है आप इजीली अब जा सकते हो, आपको इस परमिट की ज़रूरत नहीं है. तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर भी कि ILP is a document required by non-natives to visit or stay in states which are protected under ILP system. According to notification requirement of an inner line permit for Indian nationals including domestic tourist and local resident has been completely removed in order to visit the protected area. तो वो उस protected area को easily अब जा सकते हैं, उनको ILP के document की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है,
इंडियन एयरफोर्स हैज बिल्ड वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टॉवर्स एट विच प्लेस, किस जगह में वर्ल्ड का हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो बनाया गया? तो वो कहाँ पे बनाया गया? वो भी लद्दाख में ही बनाया गया, और लद्दाख उसका नाम क्या रखा? एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, ठीक है। और ये किसके लिए बनाया गया? जो विंग एयरक्राफ्ट हैं, विंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, उनके ईस्टर्न लद्दाख रीजन में जो फंक्शनिंग के लिए, ऑपरेशन के लिए ये जो है इंडियन हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है उन्होंने टॉवर जो है बनाया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगस अवाम मेला सेलिब्रेटेड इन विच यूटी, किस यूटी में बंगस अवाम मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो कौन सी यूटी में सेलिब्रेट किया जाता है? J&K की यूटी में सेलिब्रेट किया जाता है। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने जो है ये इस बंगस अवाम मेला को जो है इनॉग्रेट किया, और बहुत सारी अच्छी अरेंजमेंट्स हुई, ग्रैंड अरेंजमेंट्स हुई, जिसमें विलेज गेम्स थी, उसके बाद लोकल परफॉर्मेंसेस थी, और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ थी इस इंडिपेंडेंस डे में। इनको बंगस वैली को जो है अवाम मेला को सेलिब्रेट किया। और कौन सी बंगस वैली है ये, कहाँ पे पड़ती है? कुपवारा की डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है बंगस वैली, तो वहीं पर ये मेला जो है, ये फेयर जो है इनॉग्रेट की। और साथ ही साथ क्या हुआ, इस फेयर को इनॉग्रेट करते करते जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने जो है ट्रिब्यूटरी भी दी, किसको दी? खुदीराम बोस को, ठीक है, उनकी डेथ एनिवर्सरी पे। जो कि खुदीराम बोस क्या हैं, ये इंडियन फ्रीडम फाइटर हैं जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी को बिलोंग करते थे, और उन्होंने पहली बार जो है ब्रिटिश रूल जो इंडिया में थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज़ अनवेल्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड। तो जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की। उस एप्लीकेशन का नाम क्या था? उस एप्लीकेशन का नाम है प्रूफ, ठीक है। प्रूफ का क्या फुल फॉर्म है, एब्रीवेशन क्या है? फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी, ठीक है। ये किस लिए की? ताकि जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आए, ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी आए। तो ये किसके लिए थी? इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑन साइट चल रहे हैं वो टाइम टू टाइम कंप्लीट हो, और अब इस कोई भी अगर बिल पास करना है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो जब तक उसकी ऑनलाइन फ़ोटोज़ जो हैं अपग्रेड नहीं होगी उस प्रोजेक्ट की, तब तक जो है वो उसका काम जो है बिल पास नहीं हो सकता। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही था, इज़ टू मॉनिटर द वर्क प्रोग्रेस कि कैसा काम चल रहा है उस प्रोजेक्ट पे, और जिस भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में वो है उस यूटी के, और टाइमली वो टाइम टू टाइम कंप्लीट हो, तो उसके लिए ये जो है किया गया। और बस फिर यही लिखा है इसके बारे में कि एज़ पर द न्यू रूल्स ऑफ द यूटी गवर्नमेंट, कोई भी बिल जो है वो पास नहीं होगा जब तक कि उसकी फोटोग्राफ्स जो हैं अपलोड नहीं की जाएंगी। इन ऑर्डर टू गेट द बिल्स पास इट विल बी मैंडेटरी, ये कंपल्शन है कि उनको जो है जियो टैग्ड फोटोज जो हैं उस प्रोजेक्ट की चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी ऑर्गेनाइज्ड 400 किलोमीटर जज्बा तिरंगा रैली मैराथन इन विच यूटी और स्टेट। अब आर्मी ने क्या किया, जज्बा तिरंगा रैली जो है मैराथन किस यूटी या किस स्टेट में जो है की, लॉन्च इनॉग्रेट की, उसके बारे में पूछा है। तो वो कौन सी यूटी में की? J&K, जम्मू कश्मीर की यूटी में ही ये लॉन्च की। और जो हमारे मेजर जनरल हैं राजीव पूरी, उन्होंने जो है इसका फ्लैग ऑफ किया, और 300 से भी ज़्यादा ट्रॉप्स जो थे इन्होंने उसमें हिस्सा लिया, ठीक है। और बस यही है, और सब एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये कि जो पहला विलेज है जम्मू कश्मीर का जो कि पूरा 100% कोविड वैक्सीनेशन उनको हो गई, उसका का नाम क्या है? बयान, ठीक है। फिर नेक्स्ट और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें ये है के वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज, आर्क ब्रिज जो है वो भी कहाँ पे बन रहा है? J&K में ही बन रहा है, और किस रिवर के ऊपर बन रहा है? चेनाब रिवर के ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो है, गवर्नमेंट ऑफ J&K इशूड ऑर्डर्स टू अनवेल द कार खानदार स्कीम फॉर,
किसके लिए ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई, ये स्कीम जो है आर्टिसंस एंड वीवर्स के लिए जो है लॉन्च की गई, और इस स्कीम के तहत होता होगा क्या कि जो आर्टिसंस और वीवर्स हैं उनको जो है ट्रेन किया जाएगा ताकि जो भी मार्केट डिमांड है, जो भी ट्रेडिशनल डिज़ाइन के गुड्स हैं वो उनके लिए ट्रेन किया जाएगा और वो गुड्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इस ये स्कीम जो है ये इम्प्लीमेंट किसने की, डायरेक्टरेट्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स ऑफ कश्मीर एंड जम्मू डिवीजन ने ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की। और साथ में इस स्कीम में जो ट्रेनर्स होंगे जो ट्रेन करेंगे बाकियों को, उनको जो है रिवॉर्ड में मिलेगा, और कितने का रिवॉर्ड मिलेगा उनको 2000 पर मंथ का जो है रिवॉर्ड जो है मिलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच UT द फर्स्ट रोविंग सिनेमा हॉल हैज़ बीन ओपन, किस UT में पहला रोविंग सिनेमा हॉल जो है वो खोला गया, तो वो कौन सी UT में खोला गया, लद्दाख UT में जो है ये सिनेमा हॉल जो है ये खोला गया। और ये सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे बनने वाला थिएटर है जिसकी हाइट जो है 11,562 फीट रहेगी, ठीक है। और ये जो थिएटर है ये किसके ऊपर खोला गया, एक शॉर्ट फिल्म थी जिसका नाम था सेकूल, ठीक है, जो कि किसके ऊपर थी, लद्दाख के नोमैड्स चंगपा नोमैड्स जो थे उनके ऊपर थी, और इसका डायरेक्टर कौन था, इसका डायरेक्टर था स्टैनजिन तेंगकोंग, ठीक है, वो थे। अब वही इस थिएटर का जो है लॉन्च पे आएंगे और इसको लॉन्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ ओपन ATM ऑन हाउस होल्ड इन डल लेक श्रीनगर, किस बैंक ने जो है फ्लोटिंग ATM जो है डल लेक पे जो है खोला, तो वो कौन से बैंक ने खोला, SBI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ये बैंक खोला, और इनका ये पहला फ्लोटिंग जो है ATM नहीं है, इससे पहले उन्होंने केरला में भी जो है फ्लोटिंग ATM खोला था, और ये इनका जो दूसरा है। और किस लिए, ताकि जो है वहाँ के लोग जो रहते हैं डल लेक में उनके लिए कन्वीनियंट, उनके कन्वीनियंट के लिए उनको आसानी हो, जो टूरिस्ट वगैरह आए उनके लिए आसानी हो, इसलिए उन्होंने ये लोकल और टूरिस्ट की कन्वीनियंस के लिए ये जो है इनॉग्रेट किया, ठीक है। उसके बाद द एम्स जम्मू एंड एम्स कश्मीर आर बीइंग बिल्ट अंडर द स्कीम ऑफ, अब एम्स जो है वो जम्मू में भी खोला जा रहा है और कश्मीर में भी खोला जा रहा है, ये किस स्कीम के तहत जो है खोला जा रहा है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके तहत जो है ये एम्स जो है जम्मू कश्मीर में ओपन किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीरू इज असिस्ट एज डैश बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अब IUCN क्या करती है, अपना रेड डाटा लिस्ट जो है वो निकालती है और उसके तहत पता चलता है कि कौन सा स्पीशीज जो है वो वल्नरेबल है, अनडेंजर्ड है, नियर थ्रेटेंड है। तो चीरू क्या है, ये एक टिबेटियन गोट है, ठीक है, टिबेटियन गोट है जिसका नाम चीरू है। अब ये इसका पूछा है कि IUCN के डाटा के हिसाब से ये क्या है, तो ये क्या है, नियर थ्रेटेंड है, ठीक है, नियर थ्रेटेंड है। और ये जो है इसके जो गार्ड हेयर्स हैं, जो इसके हेयर्स हैं उससे क्या बनते हैं, शॉल्स वगैरह बनते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और वॉर्म होते हैं, ठीक है, और उनके शॉल्स का जो है नाम क्या होता है, शातोश, ठीक है, शातोश उनका नाम होता है। और किसी की भी एनिमल की जो है इलीगल जो है मारना उनको, वो प्रोहिबिटेड है, किस एक्ट के तहत प्रोहिबिटेड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके तहत किसी भी जानवर को इलीगली एक्सपोर्ट करना, उनकी हेयर्स या जो भी उनकी स्किन को, ये क्या है, बैन है, प्रोहिबिटेड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ आस्क द लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन टू हैंड ओवर द आइडेंटिफाइड 9.4 एकर्स ऑफ लैंड टू द एयरपोर्ट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एस्टेब्लिशिंग न्यू सिविल एनक्लेव फॉर उड़ान ऑपरेशन। अब क्या है, रिसेंटली क्या हुआ, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है MOCA, उन्होंने क्या कहा, लद्दाख के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहा कि उन्होंने जो 9.4 एकर की जो लैंड है वो आइडेंटिफाई जो की है वो किसको सौंप दी जाए, किसको हैंडओवर कर दी जाए, एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, उनको ये जो है दी जाए ताकि वो अपना उड़ान ऑपरेशन जो है वो शुरू कर पाए, ठीक है। और ये ऑपरेशन जो है ये शुरू होना कहाँ पर है, ये जो है कारगिल और नुब्रा में जो है ये ऑपरेशन जो है स्टार्ट होगा। और जो MOCA है ये क्या है, इन्होंने क्या किया, एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो है लॉन्च की जिसका नाम क्या था,
उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। कब लॉन्च की गई थी ये? 21 अक्टूबर 2016 में ये स्कीम जो है लॉन्च की गई, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बजट एयरलाइन गो फर्स्ट फॉर्मली नोन एज गो एयर हैज ऑपरेटेड द फर्स्ट एवर नाइट फ्लाइट फ्रॉम जम्मू टू। तो क्या पूछ रहे हैं कि बजट एयरलाइन गो फर्स्ट जिसको पहले क्या कहते थे गो एयर, उन्होंने क्या किया है, पहली एवर नाइट फ्लाइट जो है जम्मू से कहाँ तक के लिए जो है ऑपरेट की। तो जम्मू से दिल्ली तक के लिए जो है उन्होंने ये फ्लाइट जो है ऑपरेट की। और ये इनिशिएटिव से होगा क्या, इस इनिशिएटिव से जो फार्मिंग कम्युनिटी है उनको असिस्टेंस मिलेगी, जो टूरिज्म सेक्टर है उनको स्ट्रेंथन मिलेगी, उनको स्ट्रॉन्ग उनका पावरफुल वो हो जाएगा, क्योंकि एज वी ऑल नो कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मेजर रोल प्ले करती है किसी भी रीजन में, राइट। तो उससे क्या होगा, टूरिज्म सेक्टर को भी एक स्ट्रेंथनिंग मिलेगी और ये एक फार्मर्स के लिए जिस भी रीजन में जो फार्मर्स होंगे उनके लिए एक प्रोडक्टिव और एक अच्छा स्टेप है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज, तो हमारा जो 15th क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि इन ऑर्डर टू डिकनजेस्ट रोड्स इन श्रीनगर सिटी एंड टू रिवाइव द सेंचुरीज ओल्ड मोड ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट कश्मीर्स फर्स्ट बस बोट स्टार्टेड इट्स ट्रायल रन इन द। तो क्या है, अब सबको पता है कि श्रीनगर सिटी की जो रोड्स हैं वो कंजेस्टेड हैं, तो उनको डिकनजेस्ट करने के लिए और जो हमारा पुराना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ वाटर, तो उसको फिर से लाने के लिए क्या हुआ है, कश्मीर में पहली बस बोट जो है वो स्टार्ट की गई है, जिसका ट्रायल जो है वो किस रिवर पे होगा वो पूछा है। तो वो किस रिवर पे होगा, झेलम रिवर के ऊपर होगा, ठीक है। और झेलम रिवर के ऊपर इसका ट्रायल होगा और साथ में जो ये जो 8 बस बोट है इसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो कितनी की होगी, 35 पैसेंजर्स की जो है सिटिंग कैपेसिटी होगी और इसमें 5 क्रू मेंबर्स होंगे, ठीक है। और ये कितने का प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, यही आगे लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। द स्टेट ऑफ द 8 बस बोट हैज़ अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 35 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं और 5 कौन से होंगे, क्रू मेंबर्स होंगे। इन ऑर्डर टू रिवाइव द हिस्टोरिक वाटर ट्रांसपोर्ट एंड टू डिकनजेस्ट द रोड्स इन श्रीनगर सिटी, ऑब्वियसली इसीलिए क्रिएट किया गया ताकि कंजेस्टनेस जो है डिकनजेस्ट करे सिटीज़ को और हिस्टोरिक वाटर ट्रांसपोर्ट को रिवाइव करें, उसके लिए जो है बस बोट जो है वो एक आइडियल ऑप्शन है। और ये कितने का मैंने प्रोजेक्ट आपको बताया, 2 करोड़ का जो है ये प्रोजेक्ट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेज करंट अफेयर। थैंक यू सो मच।